बिग बॉस के सीज़न 16 से बाहर होने के बाद गोरी नागोरी का आया है बड़ा बयान। आखिर क्या कुछ कहा है गोरी नागोरी ने अपने इक्वेशन को लेके और क्यों हुई है ये कंटेस्टेंट नॉमिनेट। आखिर कैसे तंज कसते हुए नज़र आए प्रियंका और सुम्बुल पे, चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं, तो वीडियो का पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वीक की नॉमिनेशन जहाँ प्रियंका चहर चौधरी, सुम्बुल तौकीर खां और गोरी नागोरी शामिल थी, तो दूसरी तरफ ये दोनों ही कंटेस्टेंट सेफ हो चुके हैं और गोरी नागोरी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो गोरी नागोरी ने बहुत सारे घर के राज खोले मीडिया के सामने आके। उन्होंने बताया कि किस तरीके से घर में गेम प्लानिंग हो रही है, कौन है वीक कौन है स्ट्रांग, जहां पे प्रियंका को सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट बताते हुए गोरी नागोरी ने कहा कि एक विनर के तौर पर देखी जा सकती है। तो दूसरी तरफ मेल में उनका कहना था कि शिव ठाकरे भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर हैं। इसके अलावा अर्चना के वो विवाद पर भी गोरी नागोरी सफाई देते हुए नजर आई। तो दूसरी तरफ वो तंज कसते हुए और निशाना साधते हुए नज़र आए सुम्बुल तौकीर खां पे। उनका कहना था कि सुम्बुल तौकीर खां एक वीक कंटेस्टेंट है, मेरे जगह सुम्बुल को होना चाहिए था बिग बॉस से बाहर। और इसी को सपोर्ट करते हुए गोरी नागोरी के सपोर्ट में बहुत सारे फैंस उतर आए और कुछ लोग का ये मानना था कि यहाँ पे दो नॉमिनेशन होना चाहिए, दो कंटेस्टेंट को बाहर जाना चाहिए। एक थी गोरी नागोरी, दूसरी थी सुम्बुल तौकीर खां, क्योंकि सुम्बुल तौकीर खां का गेम बहुत हो गया है वीक और ऐसे में सुम्बुल अब घर पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है। वेल, आप बताना मुझे, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या सुम्बुल तौकीर खां का गेम सचमुच बहुत ज़्यादा वीक हो गया है? क्या अब ये एक्ट्रेस होने वाली है बिग बॉस से बाहर? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।